नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शॉकिंग टॉपिक लेके आया हूँ। शॉकिंग इसलिए कि बहुत सारे पेशेंट इसको ये सोचते होंगे कि ये क्या है, बहुत सारी दिक्कत हो गई हमारे मुंह में, ये क्या हो गया, कहीं ये कैंसर तो नहीं हो गया, अब क्या होगा, इसका इलाज क्या होगा। तो मैं इसी टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा, डिस्कस करूंगा कि ये कैंसर है या नहीं है, इसका इलाज होता है या नहीं है, ये कैसे ठीक होता है और ये होता क्यों है। तो इस टॉपिक को बोलते हैं लिनिया एल्बा, ये जो टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लिनिया एल्बा, लिनिया का मतलब वाइट और एल्बा का मतलब लाइन, मतलब वाइट लाइन जो हमारे मुँह में अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक मुँह के अंदर आपको एक सफ़ेद रंग की लाइन दिखाई देती है, इसको लिनिया एल्बा कहते हैं। ये हमारे ओरल म्यूकोसा में अंदर से आपको दिखाई देगी। नॉर्मली आप लाइट जला के या शीशे में सामने देखेंगे तो ये हर पेशेंट के मुंह में होती है। अब ये होता क्या है, तो ये एक जंक्शन होता है, मतलब कि ऊपर के दांत और नीचे के दांत जब ऑक्लूड करते हैं तो वो ऑक्लूजन बार बार होता रहता है, बार बार एक दूसरे के दांत बैठते रहेंगे तो उसके कारण जो आपका गाल होता है थोड़ा बहुत उन पे आता रहेगा, उसके बीच में आता है, उसके कारण गालों के अंदर एक लाइन बन जाती है, इसी लाइन को लिनिया एल्बा कहते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशन होती है, इसको कभी कैंसर कह ही नहीं सकते, ये कैंसर होता ही नहीं है, ना ही इसमें कोई सेंसेशन होता है, ना ही इसमें कोई पेन होता है, तो इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर उसके बाद भी आपको बाइट हो रही है, आपका अकल दांत आ गया है और पीछे वाले अकल दांत एक दूसरे पे बैठ रहे हैं और उसके बैठने के कारण उस लास्ट कंडीशन में आपको वाइटनेस ज़्यादा हो गई है, वहाँ पे कट गया है, दिक्कत हो रही है, तो उस चीज़ का इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि पूरे लिनिया एल्बा का। लिनिया एल्बा किसी भी प्रकार से ये कैंसर नहीं होता है। तो उस चीज़ को जहाँ पे कट गया है उसको इलाज करने के लिए क्या करेंगे, आपको घरेलू उपाय बताते हैं कि उसमें हल्दी को लेके थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए, हल्दी का लेप कीजिए, उसके बाद आप अगर तुलसी की पत्ती भी चबा लेंगे तो भी वो बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है, और हल्का सा बीटाडीन से गार्गल करने से भी वो जब घाव है वो इन्फेक्शन वो ठीक हो जाएगा, या तो फिर ओरल अल्सर की जो भी क्रीम होती है, जो भी चीज़ें होती है, मतलब जैसे ऑर्निग्रिट हो गया, ओरा हेल्प हो गया, डेंटाकाइंड एल हो गया, ये सारी चीज़ें आप उसको लगा के, या ओरा हेल्प हो गया, ये सारी चीज़ें लगा के आप उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ों नहीं ठीक हो रहा है तो घरेलू उपाय में आप नॉर्मली जो हल्दी है उसको लगा के ठीक कर लीजिए, शहद लगा लीजिए उससे भी वो ठीक हो जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी है लिनिया एल्बा के बारे में, इससे बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बहुत हल्की सी चीज़ है, ये किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है। ये सिर्फ ऊपर और नीचे के जब दांत आपस में मिलते हैं तो उस मिलने के जो जंक्शन होता है, वो ऑक्लूजन लेवल की जो लाइन है, वो उसी के जिगजैग मूवमेंट में होता है, मतलब जैसे जैसे दांत मिलते हैं वैसे वैसे आपके गालों में वो लाइन पड़ जाती है। तो इस लिनिया एल्बा से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है और ये 95% केसेस में आपको होती है। कई केसेस में ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी और कई केसेस में ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है। तो इससे बिल्कुल भी नहीं घबराइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को और हमारा वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।